देखो सर, हम लोगों का रीजनिंग में जो टॉपिक अपन आज पढ़ने वाले हैं, वो रीजनिंग में हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। आज अपना जो टॉपिक है रीजनिंग में वो है कैलेंडर। ठीक है भैया, कैलेंडर। तो अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? कैलेंडर है। ओ जनता पूरी शांत हो जाओ एकदम। बेटा हमको सारे क्वेश्चन एक एक से एकदम बेसिक तरीके से करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब अथा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल से लेकर जितने टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन है। तो जीरो से लेकर एकदम जितना लेवल तक बेटा वहाँ क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमको करने हैं लगातार, मतलब बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं मतलब सारे टाइप कवर हो जाए इतने हैं। तो अब मैं यहाँ पहले आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले इसका क्या पढ़ाऊंगा बेटा, कंसेप्ट, कि इस कॉन्सेप्ट इसमें लगने क्या वाले हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक मतलब नहीं है कुछ भी। तो पहले बेटा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा एकदम जीरो से। जिस भी लड़का लड़की को अगर चीजें आती हैं उसने पहले पढ़ी है, मतलब एक आध क्लास जब मैंने पहले पढ़ाई थी, तो आप डायरेक्ट बेटा सीट के क्या कर सकते हो क्वेश्चन। जो लोग लाइव क्लास देख रहे हैं तो उन लोगों को बेटा क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, सारे के सारे। ये टेलीग्राम चैनल है अपना रामनिवास सर क्लासेस, इस पर मिल जाएंगे। इस पर बेटा आप लोगों को सारी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और इस प्रकार से फाइल भी मिल जाएगी। तो पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, इस टॉपिक में लगने वाले कॉन्सेप्ट। भैया पीछे शांत हो जाना एकदम, ए लड़कियों शांत हो जाओ, पूरी मॉर्निंग चिल्लाती रहती हैं, बातें मानती ही नहीं है। अब आप लोगों में से मुझे पता है कि पीछे दिखता जे प्रोजेक्टर और जे मशीनें थोड़ी गड़बड़ कर रही हैं, तो बस जो दो तीन दिन में सारी बन जाएंगी तो वो पीछे की सारी सारे पर्दे मर्दे सही चलने लग जाएंगे। ठीक है भैया। बेटा ये बीच में लाइटें फाइटें नहीं जलाई आप लोगों ने, तो लाइटें और जला लो सारी। पहले सुनो सारे के सारे लोग, इसमें लगने वाले कंसेप्ट क्या क्या हैं। तो बहुत जीरो से एकदम बात करेंगे और इस टॉपिक में लगने वाले पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेटा जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग शांत नहीं हुए ना तो फिर आप में से एक आध दो को भगा दिया जाएगा और कोई मतलब नहीं है। ठीक है लल्ला, आ जाओ। अरे तो भंडारा मिलेगा, काहे टेंशन ले रहे, बर रहा बेटा। सारे हलवाई लगे हैं, पूड़ियां बेलने के लिए, आटा मारने के लिए सब लाए हैं। मतलब तुम लोगों को सिर्फ आज क्या है, पढ़ना है और तुमको कुछ नहीं करना और क्या। चलें कैलेंडर में सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे कि एक तो हमारी वर्ष जो होती है वो 365 दिन की होती है, और एक जो वर्ष होती है वो हमारी 366 दिन की होती है। एक जो वर्ष होती है वो हमारी 300 सपा जीरो से बिल्कुल एकदम। और फिर सारे टाइप जितना बेटा हो, चाहे वो तुम लोग CGL मेंस मेंस कुछ देना, उससे भी इससे बाहर कुछ नहीं है। पर एक क्लास नहीं, एक दो जितने में खत्म हो पाए, टॉपिक ऐसे थोड़ी सी ना हाल खत्म हो जाएगा। तो पहले बेसिक कंसेप्ट सुनो और फिर क्वेश्चन तो मैंने कह दिया जो बहुत सारे हैं जो सब करेंगे हम लोग। बेटा ये 365 दिन का एक वर्ष होता है, और एक वर्ष ऐसा है जो 366 दिन का होता है। इसमें बेटा फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है, और इसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। और मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा वर्ष, सामान्य वर्ष। इसको कौन सा वर्ष कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। और इसको हिंदी में अधिवर्ष, हिंदी में कौन सा वर्ष, अधिवर्ष कहते हैं। और इंग्लिश में बेटा इसको नॉर्मल ईयर, कौन सा ईयर, तो NY से लिख देंगे नॉर्मल ईयर, और इसको बेटा हम LY से लिख देंगे लीप ईयर। कौन सा ईयर, लीप ईयर। पहले कॉन्सेप्ट सुनना, क्वेश्चन तो हम कहीं से भी लाएं इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस बनना चाहिए। चीजें क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, आई कैसे हैं, क्वेश्चन तो वही है बेटा, घूम फिर के चाहे कहीं से उठा लो। तो पहले तो बात को समझना आराम से, कि एक साल होती है जो 365 दिन की होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। और एक 366 की होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अधिवर्ष कहते हैं बेटा, हो जिसमें फरवरी क्या की होती है, 29 की, और यहाँ पर फरवरी
28 की होती है, और इसको कहते हैं पर लोग नॉर्मल ईयर, और इसको क्या कहते हैं, लीप ईयर। अब बेटा पहचान क्या है, मतलब अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ भाई साहब पहचान क्या है कि कौन सी ईयर लीप ईयर होगी और कौन सी ईयर सामान्य ईयर होगी, तो बेटा क्या है पहचान, सभी लोग जानते हैं, सारे लड़के लड़कियां सब जानते हैं बेटा हूँ। सर पहचान तो ये कही है कि अगर आप लोग इसमें 4 से डिवाइड करो, कितने से, वो ईयर वो वर्ष सामान्य वर्ष होगी जब आप लोग कितने से भाग दो, 4 से। हाँ बैठेंगे एक मिनट, रुको भैया, बेटा रुक जाना, उधर नहीं है जगह, सारी भरी है, कहाँ है, अरे तुम लाइन खाली करो, वो इसलिए करना है लाइन खाली, अभी और आएंगी लड़कियां, अब जो पूरी भर गई, जे पूरी भरी है तो मैं कहाँ बैठाऊंगा भैया, कुछ एक दो दिन की दिक्कत और है आप लोगों को, जे सारी मशीनें प्रोजेक्टर सब बन जाते हैं तो पीछे के पर्दे मर्दे बहुत बेहतरीन क्वालिटी में चलेंगे। भैया अगर उधर से किसी को नहीं दिख रहा ना तो इधर कहीं टेबल डाल लेना, पर चीजें दिखनी चाहिए। बड़े आगे, अरे यार टेबल उठा लाओ, इधर कहीं और डाल लो, नहीं दिख रहा तो। आओ बेटा, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है, क्यों भैया वो पीछे के स्पीकर चालू है क्या सारे स्पीकर, उधर के देखना पीछे के, ठीक है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है, अब शांत हो जाओ इसकी पहचान है, इसकी सर क्या पहचान है इसकी, बेटा इसकी पहचान ये है कि आप लोग 4 से डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है हिंदी में बेटा शेष फल, वो क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। नॉर्मल ईयर की पहचान है कि आप लोग 4 से डिवाइड करना, 4 से भाग देना, और जो शेष फल है वो क्या नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए। तो वो पहचान है काय की, सामान्य वर्ष की, कौन सी वर्ष की, सामान्य वर्ष की। तो भैया एक बात हो गई, सामान्य वर्ष वो वर्ष होगी जिसमें 4 से भाग देंगे तो कोई शेष फल, आ जाओ यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे ना तो शेष फल काय के बराबर आएगा, जीरो, रिमाइंडर काय के बराबर आएगा। तो एक लाइन क्लियर कर लो, जिन भी संख्याओं में 4 से भाग देंगे, जिन भी साल में जिन भी वर्ष में अगर 4 से भाग देंगे और शेष फल जीरो होगा तो वो कौन सी होगी, लीप वर्ष होगी। और जब हम लोग 4 से भाग देंगे और भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो वो कौन सी वर्ष होगी, सामान्य वर्ष होगी बेटा। इसको हम लोग नॉर्मल ईयर कहेंगे, कौन सी ईयर कहेंगे, नॉर्मल ईयर कहेंगे। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी, क्या कह रहे हैगी, परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा इसमें, काय की परेशानी, चले बढ़े आगे, आ जाओ। अब इसमें कह रहा निम्नलिखित में से विषम छांटिए, विषम का मतलब है, अच्छा चलो ये नहीं दे रहा, मैं कुछ लिख दे रहा हूं पहले, इनको बाद में दूंगा। चलो बेटा आप लोग बताओ मुझको, भैया पीछे शांत हो जाना, सब लोगों को बेटा मैं छोटी छोटी चीजें बोलूंगा, उसके आंसर देना है। ये बताओ 2020 कैसी साल है, अभी कोई चिल्ला के नहीं बोलना, दूसरों को मौका दो थोड़ा सा। मैंने बोला एकदम जीरो से चालू करेंगे, जीरो से चालू करेंगे। आप 2020 देखो, 1992 देखो, 1882 देखो, 1992 देखो, 1882 देखो, भैया प्लीज शांत हो जाओ, 1800। आप लोगों को तुरंत मतलब इतना बताना है कि सर ये लीप ईयर है कि नहीं है, कौन सी लीप ईयर है कौन सी नहीं है। चिल्लाना नहीं है, सिर्फ आराम से बेटा हूँ, चेक कर लो आप लोग। हाँ क्या कह रहे, अच्छा 2020 क्या है, 2020 कौन सी है, सामान्य, अच्छा जिस सामान्य वर्ष है बेटा। 4 के पता है तुमको, 4 को डिवाइड करने का रूल क्या होता है, बस लास्ट के क्या नंबर देख लो, दो नंबर, पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना है। तो सर अगर हम लोग इसको 4 से पूरी संख्या को डिवाइड करेंगे तो इस तो पूरा भाग चला जा रहा, तो पूरा भाग चला जा रहा, तो रिमाइंडर क्या बच रहा,
और रिमाइंडर जीरो बचता है तो वो कौन सी ईयर है? वो लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी क्या की होती है। अभी तुमको ये चीजें बहुत बहुत सामान्य लग रही हैं, पर यही चीजें क्वेश्चनों में लगेंगी, बड़े बड़े क्वेश्चनों में बेटा, यही बातें लगना है बड़े बड़े क्वेश्चनों में आगे जाकर। आओ बताओ कौन सा ईयर है, जो कौन सा है, लीप ईयर है। कैसे डिवाइड करना है, चार से, तो सबको मत करो, लास्ट के दो कर लो। हो रहा है डिवाइड, है रिमाइंडर जीरो हो रहा फरवरी के की, है 29 की, कौन सा ईयर, लीप ईयर। देखो आगे बताओ मुझे, इसको 4 से डिवाइड करो, हो रहा नहीं हो रहा, 4 से 4 दूनी 8 जगह कट रहा, तो बेटा हो इसमें कौन सी ईयर है जो हिंदी में सामान्य वर्ष, इंग्लिश में नॉर्मल ईयर, क्योंकि यहां पर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा। ऐसे में बेटा हूँ फरवरी 28 की, हमने तुमसे क्या कहा है कि बहुत धीरे धीरे चलेंगे, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा इसमें यह है कि बहुत सारे लोग तो नई तैयारी कर रहे हैं ना, और फिर अथा क्वेश्चन करेंगे, मतलब बहुत जितने टाइप बनते हैं एग्जाम में, एक एक दिन में नहीं तो दो दिन तो तीन दिन, मतलब दो क्लास तीन क्लास जितने में खत्म होगी उतने में करेंगे, ऐसे नहीं होगी, नहीं तुम सोचा भाग के और कर दो खत्म। आपको जितने आगे क्वेश्चन कराने हैं सबकी पीडीएफ लोगों के लिए मैंने पहुंचवा दी, और आप लोगों को तो सीटें मिली हैं सबको, जो कोई लाइव देखता है कभी ऑनलाइन क्लास, तो उनके लिए पीडीएफ टेलीग्राम पर बढ़े आगे जी। बताओ बेटा कौन सी साल है, लो चलो देखो कौन सी है, लीप ईयर, हाँ क्या ना है, तो अब तुम सोच रहे गलत, क्योंकि बेटा इसके पीछे क्या जीरो लगी है, और जिस भी संख्या के पीछे दो जीरो लगी है ना, वो शताब्दी वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष, तो इसको हम लोग बेटा कहेंगे शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष, शताब्दी वर्ष, तो सर जो शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं बेटा, ए इसको आवाज आवाज कम, शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं, कहां से चालू होते हैं, 100 200 बेटा शताब्दी वर्ष होते कौन कौन से हैं। सर शताब्दी वर्ष की पहचान है, इंग्लिश में बेटा सेंचुरी ईयर कहते हैं शताब्दी वर्ष को। शताब्दी वर्ष सर होते कौन कौन से हैं, बोले ऐसा ऐसा, आप कहाँ से चालू हो जाते हैं, 100 से, 100 200 300 400 500 जैसा चलते जाएंगे, तो अभी निकला है बेटा कौन सा, सन 2000, सन क्या हजार, 2000, तो सर वो शताब्दी वर्ष की सेंचुरी ईयर की पहचान क्या है, उसकी पहचान है बेटा लास्ट में क्या जीरो होना चाहिए, दो। शताब्दी वर्ष की पहचान है कि लास्ट में दो शून्य होना चाहिए, लास्ट में दो शून्य होना चाहिए, शताब्दी वर्ष की पहचान है कि लास्ट में क्या शून्य होना चाहिए, दो शून्य होना चाहिए। अब तो सर फिर इसको कैसे चेक करेंगे, तो बेटा अगर किसी शताब्दी वर्ष को चेक करना है, सर क्या चेक करना है, कि वो शताब्दी वर्ष नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर, हिंदी में बेटा सामान्य वर्ष है कि अधि वर्ष, तो उसको अगर चेक करना है तो भाग हम लोग चार से नहीं, भाग देते हैं डिवाइड करते हैं कैसे, 400 से। कैसे में हम डिवाइड करते हैं बेटा, कितने से, 400 से। अगर कोई हमारे पास सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, तो हम लोग उसको डिवाइड कैसे नहीं करते, 4 से नहीं, कैसे, अगर बेटा 400 से भाग जा रहा हो तो वो ईयर, वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर होगी, नहीं तो वो लीप ईयर। तो सर इसका मतलब तो ये है कि अब तक की बस यही शताब्दी वर्ष लीप ईयर होंगी, जैसे 400 800 1200 1600 ऐसा, और क्या 2000 ऐसा, बताओ इनमें लास्ट में क्या जीरो हैं, क्या इनमें 400 से भाग जा रहा, 400 से डिवाइड हो रही, अब हो रही है तो ये कैसी है फिर, लीप ईयर, ये शताब्दी वर्ष, ये सेंचुरी ईयर, कौन सी ईयर, सेंचुरी ईयर क्या हो सकती है बेटा, लीप ईयर हो सकती है, क्यों, क्योंकि दो जीरो हैं तो शताब्दी वर्ष हो गया।
और 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो कौन सी ईयर हो गई? लीप ईयर। भैया फिर से सुनना, अगर जिसके पीछे दो जीरो नहीं लगा तो वो शताब्दी वर्ष नहीं है। और उसको चेक करने के लिए 400 नहीं, कैसे भाग? 4 से डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करना बेटा? 4 से, 4 से डिवाइड करना है। और अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो कितने से डिवाइड करना है? 400 से डिवाइड करना है। इसमें बताओ किसी को दिक्कत? देख लो, कुछ कहना आप लोगों का? चलें बढ़े आगे। तो हो गई बेटा इतनी सी बात। अब अगर आप लोगों को अपन क्वेश्चन देंगे छोटे छोटे तो करोगे शुरू? मैं सब बताऊंगा आगे, और कहां कहां बेटा क्या क्या थ्योरी की जरूरत है, बहुत सारी थ्योरी और कंसेप्ट पूरे पढ़ाता जाऊंगा साथ में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं छूटना। जैसा मैं तुमको छोटे सा क्वेश्चन ऐसे ही दे के देख रहा हूँ, अब तुम लोग मुझको बताओगे, ठीक बताओगे भैया? तो दो छोटे क्वेश्चन लिखो वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर। बताओ मुझे, मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए, व्याल बताया कि 2000 बताओ लीप ईयर है कि नहीं है, और 1900 बताओ लीप ईयर है कि नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करेगा? पीछे क्या जीरो है? दो बेटा, जीरो मतलब जीरो ही होती है। अब पहले जीरो से शुरू करेंगे, तब हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे। और तुम लोगों को करना है तो मैंने सीट में क्वेश्चन दे दिए ना आपको, करने बैठ जाओ उसको। जिसको कंसेप्ट पता है पहले से, किसी ने पहले एक बार पढ़ लिया हमसे, तो आप सीट में लग जाओ करने के लिए, बस बात नहीं होनी चाहिए, आ जाओ चलें। क्यों बेटा, क्या जीरो लगी है पीछे? दो जीरो लगी है, फिक्स हो गया। कौन सा ईयर है ये, कौन सा वर्ष है? यहाँ भी दो जीरो लगी है, कौन सा वर्ष है? तो अब इसको लीप ईयर चेक करने के चक्कर में कैसे भाग देना पड़ेगा? जा रहा 400 से भाग जा रहा, तो कौन सी ईयर है फिर? 400 से भाग जा रहा, शेष पल क्या बच रहा? जीरो। तो फिर कौन सी ईयर हो गई जो? वैसे कौन सी ईयर है जो? सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। वो शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग जाता है वो लीप ईयर है। कौन सी ईयर है? लीप ईयर है। अब आ जाओ बेटा, दो जीरो है पीछे, कौन सी वर्ष है? शताब्दी। कैसे भाग देंगे 400 से? जा रहा क्या? जा रहा नहीं जा रहा, शेष पल जीरो हो रहा नहीं हो रहा? तो फिर यहाँ हो रहा जीरो, हो रहा। लीप ईयर है सर, तो फरवरी क्या की? 29 की। फरवरी क्या की? 29 की। आ जाओ यहाँ पर, नहीं जा रहा सर भाग, शेष पल जीरो नहीं बच रहा, तो यहाँ फरवरी क्या की? 28 की। यहाँ फरवरी क्या की? 28 की। ये बातें बहुत गौर करने वाली हैं आगे वाले क्वेश्चनों के लिए। पहले इतनी बात समझो बेटा, फिर बढ़ते हैं आगे, बढ़े आ जाओ। तो कम से कम ये है कि इतनी चीजें पढ़ाने के बाद, मैं आगे अभी पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो कह रहा है निम्नलिखित में से विषम छांटिए। विषम का मतलब जो है कि कुछ लीप ईयर होंगी और कुछ सामान्य वर्ष होंगी, तो इनमें से जो देखना हमको, लीप वर्ष कौन सी है और सामान्य वर्ष कौन सी है, बताओ। सर कैसे चेक करें? पहले ही बेटा यहां से आ जाओ, 1992, 1992 बताओ कौन सी साल है। सर जो बताओ, दो जीरो है पीछे नहीं है, तो शताब्दी वर्ष तो नहीं है, सामान्य मतलब शताब्दी वर्ष नहीं है। अब ये मात्र वर्ष है, तो इसमें 400 से देंगे क्या? 4 से बेटा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, करना 4 से डिवाइड, हो रहा है, तो शेष पल जीरो, तो कौन सी ईयर? लीप ईयर। तो ऐसे में फरवरी कितने की? 29 की। आगे आ जाओ, अगला 1800, पीछे बेटा दो जीरो हैं, अगर दो जीरो आ गई तो कौन सा वर्ष है वो? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में 4 से नहीं, कैसे? 400, तो इसको 400 से चेक करो, डिवाइड हो रहा क्या? नहीं हो रहा है, तो शेष पल क्या? जीरो हो रहा? नहीं हो रहा, तो ये कौन सी ईयर है? नॉर्मल ईयर है भैया। शताब्दी तो इसलिए है कि पीछे क्या जीरो है? तो सामान्य वर्ष इसलिए है कि इसमें 400 से भाग नहीं जा रहा, तो नॉर्मल ईयर है। और अगर नॉर्मल ईयर है तो फरवरी क्या की? 28 दिन की। फरवरी क्या की? 28 की। बताओ किसी को दिक्कत? हाँ क्या ना, तो भरू ने कहा चले आ जाओ। क्या है बेटा जी? 1900। क्या है? 1900। तो
1900 ये है तो सर ये तो शताब्दी वर्ष है, कौन सा वर्ष है? क्योंकि बेटा दो जीरो है तो अब चार से नहीं, कैसे दियो भाग जा रहा क्या? नहीं जा रहा, तो रिमाइंडर जीरो हो रहा नहीं हो रहा, तो कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये सामान्य वर्ष है, कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है, तो फिर मैं क्या कह पाऊंगा? फरवरी के की 28 की, यहाँ फरवरी पर ही बेटा सब कुछ टिका है। अभी बहुत साल होंगी, फलाने साल से फलाने साल में चले जाओ, आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ, और उसमें सब में फरवरी गड़बड़ करेगी, तो इसलिए फरवरी पर इतना जोर दिया जा रहा है। अबे इंग्लिश में क्या करेगा, पूछ के फरवरी क्या कहते हैं? आओ और क्या है, अंग्रेजी मीडियम चेक करना चाह रहा है क्या? देख ले क्वेश्चन दोनों में लिखा है, फाइंड द ऑड वन आउट। देखो निम्न में से क्या छांटिए, सबरे क्वेश्चन देख लीजिए लिखे है। अब काय को टेंशन ले रहा हो तेरा, आया दो बातें पता चल गई। चलो इतनी बातें अगर आप लोगों को पता चल गई तो अब अपन लोग आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अभी छोटी छोटी बातें आपको पता चली हैं, क्या हो गया देख लो आप लोग, छोटी पता चली हैं। अब मुझको बेटा छोटी छोटी बातों में अब आगे बताना। अच्छा आप लोगों को पता होगा, बैटरी गड़बड़ कर रही है क्या? अभी बदल लेंगे यार, ज्यादा आवाज कटने लगे तो बता देना, फिर दूसरी मंगा लेंगे। कट रही है आवाज, अब यार देखते हैं बेटा। जैसे आप लोगों को लगता होगा सभी लड़के लड़कियों को कि फिर तो सर ऐसा हो रहा है, मैंने ले लिया 2000, ले यार यार बैटरी कौन लाएगा, देना एक बैटरी देना बेटा। जैसे मैंने लिख दिया 2004, बताओ लीप ईयर है क्या? है? मैं ये तुमको ज्यादा अभी कुछ और समझा रहा हूँ कि तुम में से कई लोगों के दिमाग में जब बैठ जाएगी अब कि हर चार साल बाद क्या आ गई, और बेटा वो एक जगह तुम्हें चुका देगा, कहाँ चुकाएगा बेहाल बता रहा हूँ। थैंक यू। अब हमारे मन में ये बैठ जाती है कि हर चार साल बाद क्या होता है, लेकिन बेटा वो पेपर वाला चुका देता है एक जगह, कहाँ चुकाता है वो बता रहा हूँ, आप लोगों को बीच में ही उड़वा देगा। 2004 क्या है बताओ, 2004 है कि नहीं है? आ जाओ, 2008 है लीप ईयर, 2012 क्या है, 2016 क्या है, 2020 क्या है, 2024 क्या है? तो अब हमारे दिमाग में यहाँ से ये बैठ जाती है कि हर चार साल बाद क्या आ रहा है, लीप ईयर आ रहा है। बताओ बैठती है कि नहीं दिमाग में कि लीप ईयर आ रहा है सर, हर चार साल बाद लीप ईयर आ रहा है। अब हमारे दिमाग में तो जो क्लियर करके बैठ गई बेटा, हर चार साल बाद क्या आ रहा, लीप ईयर आ रहा। अब देखो हम लोग कहाँ फंस जाएंगे कि हमको पता है कि चलो मान लो 1896 है, बताइए लीप ईयर है कि नहीं है? है। अरे यार लीप ईयर के लिए कुछ नहीं है, चार से भाग दो जा रहा है देखो, क्योंकि बेटा ये सेंचुरी ईयर तो है नहीं, दो जीरो होंगी तो शताब्दी वर्ष होगा, तो कैसे भाग देंगे 400 से? अब है तो कैसे देना है, बस चार से डिवाइड करना, जो तो है लीप ईयर। तो अब अपन बेटा कभी कभी यहाँ चूक जाएंगे और वो चुका देगा 1800 कुछ देकर और सन कुछ देकर। जैसे इसके चार साल बाद क्या आएगा, इसके चार साल बाद क्या आएगा, 1900 आएगा, क्या आएगा? फिर उसके चार साल बाद क्या आएगा, 1900। अब यहाँ चूक गए कैसे, अगर तुमने जो सोची जिली पियर है तो बता, तुम सही सोच रहे जिली पियर है, लेकिन बेटा जो 1900 दो जीरो है तो जो शताब्दी वर्ष है, तो जो चार से नहीं, कैसे देना पड़ेगा 400 से, और 1900 लीप ईयर नहीं है, 1900 लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे अपने को 1800 कुछ देकर 1900 में जाएगा तो जो लीप ईयर चुका देगी अपने को बात को, अगर तुम चार चार साल जोड़ दी तो यहाँ पर जो लीप ईयर नहीं है, यहाँ ये लीप ईयर, तो जो लीप ईयर उसमें हटाई जाएगी, और यहाँ पर लीप ईयर कै साल बाद रिपीट हुई है, 8 साल बाद। लीप ईयर कितनी साल बाद आई है, 8 साल बाद। तो चूक ना जाना मेरे भाइयों और बहनों, जब वो 1800 सन देकर फिर 1900 में पार कराएगा और हम 1900 में से बेटा उसको लीप ईयर में काउंट कर डालेंगे चार चार साल करके, लेकिन वो देखना ज्ञान की बात, यहाँ 4 साल बाद नहीं होगी,
जी लीप ईयर है अवसर, जी भी लीप ईयर है लेकिन जी लीप ईयर, क्योंकि सेंचुरी ईयर को, शताब्दी वर्ष को लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से भाग देंगे, और जहां में 400 से भाग देंगे, जा रहा नहीं जा रहा, तो क्या ये लीप ईयर है बता दो हाँ के ना। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद लीप ईयर होगी, हमेशा ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद लीप ईयर होगी, कहीं कहीं बेटा कैके साल बाद भी हो सकती है, 8 साल बाद भी हो सकती है, कैसे साल बाद हो सकती है, 8 साल बाद। चलो चलते हैं, क्या पढ़ना, कमेंट, कमेंट तो मैं पढ़ लूंगा, अभी तो मैं पहले पढ़ाता दूं पागलों, कमेंट पढ़ता हूं तो फिर इधर क्या है, कंसंट्रेशन ही नहीं बैठता ना लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने का। कमेंट में क्या, कई लोग भंडारा मांग रहे हैं, कोई भर रहा है, अव्याल खबेगा पूरी सब्जी, पूरी सब्जी और नुकती बूंदी सब भर रही। क्या 1900 क्या हो जाएगा, तो शताब्दी ईयर रहता ही, हम तो लीप ईयर समझा रहे कि वो लीप ईयर नहीं है, वो शताब्दी वर्ष। बेटा क्या आपको ये समझ में नहीं आई कि शताब्दी वर्ष है ये, तो कौन सी शताब्दी वर्ष लीप ईयर होगी, कौन सी सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगी, वो वही होगी ना जिसमें कैसे भाग जाएगा, चार ये हो रही 400 से डिवाइड, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, ये तो है ही शताब्दी वर्ष। ए जैसा मैंने अपने लड़के से कह रहे हो कल, क्यों रे ऐसे बुदे दे चंदा, चंदा भंडारे के लिए, सो मेरे से कह रहा मैंने कि क्या खाएगा तेरे लिए, क्या बनवाए, जो कह रहा मैं तो पापा नुक्ती नुक्ती खाऊंगा, बूंदी बूंदी बस, पूरी सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, वो मिर्ची लग जाएगी बोले और क्या, चले आओ बढ़े बेटा बढ़ो, जी बातें पता चल गई क्या, क्या कह रहे। अब देखो कुछ लोगों के दिमाग में जो चीजें घर कर जाएंगी उनको भी खत्म करता हूं, पहले कंसेप्ट आज पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे और मैं जो कहूंगा जी मैंने पढ़ा दिया, ठीक। देखो आओ, जैसा मैं तुमसे कह दूं बेटा मेरे पास कोई 5 साल है, क्या साल है बताओ, इन 5 सालों में लीप ईयर क्या बैठ होंगी, मेरे पास 5 साल हैं तो सामान्यतः बात कर रहे हैं कि 5 क्या लीप ईयर होंगी, तो सर हम लोग 4 से भाग दे देंगे और ये कई बार भाग जा रहा तो क्या लीप ईयर होगी, 1 लीप ईयर होगी, जो सामान्यतः बात हो रही, कैसी बात हो रही सामान्य, सर तो कभी कभी 2 हो सकती है, यहाँ हो सकती है, जैसे एक बार 2004 से शुरू हो गई बेटा जनवरी से और 2009 तक गई, तो साल तो क्या हो रही 5 हो गई, क्या लीप ईयर आ गई मामे, तो ऐसे में कहा हो जाएगी गड़बड़। तो मैं ये समझा रहा हूँ पहले तो कि देखो दिमाग कैसे चलाना है, आपने सोचा कि सर 5 साल हैं 4 से भाग दिया, ये कई बार जा रहा, इसमें 1 लीप ईयर होगी, सर 10 से है 10 साल है हमारे पास, हमने 10 में भी 4 से भाग दिया तो 4 से भाग देंगे तो 2 ही बार जाएगा तो क्या लीप ईयर होंगी, लेकिन मैं बताऊंगा बेटा 3-3 भी होंगी, ऐसे कैसे हो जाएंगी, क्या पता वो साल बेटा लीप ईयर से शुरू हो जाए, तो जहां 10 साल के बीच में क्या हो जाएंगी 3 हो जाएंगी, सर कैसे बता रहा हूँ अभियाल, 15 साल है तो 15 साल है तो 15 में भी 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग क्या बात जा रहा, तो क्या लीप ईयर होना चाहिए, 3 लीप ईयर होना चाहिए, हाँ क्या ना, तो ऐसा दिमाग में रट मत लेना, क्योंकि कहानी बहुत बदली हुई है बेटा, कहानी गड़बड़ वाली है, सर कैसे है बता रहा हूँ, जहाँ तुम सोचोगे तो कौन कौन सी हो रही होगी बेटा, अगर तुम सोचोगे तो 4th यहाँ 10 में 4th और 8th यहाँ 15 में, मतलब 4th नंबर की 8th नंबर की और कौन सी 12th, बताओ वहाँ कहना। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ मक्खी बेचारी क्यों परेशान कर रही बेटा, भंडारा खाने आई है आ जा। अब मैं तुम लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटे छोटे से, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा 2011 से चले
और 2021 तक चले, बताओ क्या लीप ईयर होगी? हैं, वो 2009 से चले सर और 2019 तक चले, क्या लीप ईयर होगी? अब मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम लोग क्या जान रहे? ज्यादा जनता पढ़ाने का घाटा क्या देख रहे? सैकंड तो बेटा सोता ही रहता है, मतलब रात में नहीं सोएंगे क्योंकि तुम कुन्ने में कितना से दीवार से टिक टुकू के सो ही रहा है, हैं? कचुन का पता ही नहीं चलता कोई कहाँ फोन चला रहा होगा, क्या कर रहा होगा, बस थोड़ा सा जिद देख सकते हैं कि सामने वाले भी चूना लगा जाते हैं, जब बोर्ड की तरफ देख लेता हूँ तो बैग में हाथ डाल के थोड़ी देर में मैसेज कर देते हैं हैं? बस इतना हाथ तुम मैसेज में चलाते हो ना, बस उतने में ही तो पेपर ही एग्जाम ही निकल जाएगा, इतना पेन कॉपी में चलाने लग जाए तो। बेटा ये पूरी कोचिंग इतनी बड़ी है, मतलब जब आप लोग कहां से आते हो, घरों से, और कोचिंग में एंट्री मारते हो ना तो जहां में लगे इतने कैमरे दुनिया भर के, आप बैठे हो तो कैमरे की निगरानी में, आप गली से आए हो तो कैमरे की निगरानी में, इधर से आए हो कि इधर से आए हो, आप अगर छतों पर खड़े हैं तो काई की निगरानी में, आप बेटा नीचे खड़े हो तो कैमरे की निगरानी में, गार्डन में खड़े हो तो काई की निगरानी में, कैमरे हर जगह इसमें कैमरे लगे हैं, ठीक है? अब सुनो पूरी कहानी, कोई भी लड़का लड़की आएगा तो डायरेक्ट या तो कोचिंग में आएगा, कहीं खड़े होके क्या नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेगा, और करेगा तो लड़का लड़का ही से करेगा, और लड़की लड़का और लड़की नहीं दिखने चाहिए अरे हमने तुमसे कहा है, वैसा तो बेटा ये छात्र जीवन है मतलब, और इसमें हम लोग अगर सही तरीके से पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे तभी एग्जाम निकलेंगे, फिर भी बेटा कोई कह रहा है सर ए चलता रहने दे, तू कहाँ उठ रहा बार बार, वैसा ही हीरो बनता रहता है, बैठ जा शांति से आओ बेटा, वो तो अब भंडारा होगा बेटा, भजन कीर्तन होंगे तो होंगे, उसमें तो किसी प्रकार की दिक्कत अभी तो वैसे तुमको सुनाई दे रहा होगा, नहीं बीच में रह जाएंगे ना, रुक तो जाओ, कंसेप्ट तो पढ़ाने दो, वैसे ही फालतू, अब यहाँ क्लास बंद कर देंगे, मैं जितना पढ़ाना उतना पढ़ाऊंगा ही नहीं, मुझको खुद पता है बेटा, क्या तुम लोग इतने दिनों में, मैंने संडे क्लासें लगाई, सैटरडे लगाई, महीनों से क्या नहीं करी, छुट्टी नहीं करी, तुम लोगों में से जो जनता नया आया होगा कोई, उसको तो लग रहा होगा यार पढ़ाई करो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पर जो पुराने होंगे भी ना, जो लग रहा होगा सब दिन दिन रात तो पढ़ा रहा है, दिन भर कोचिंग पढ़ाता है, रात में यूट्यूब पे पढ़ाता है, पागल हो जाएगा, तुम भी चाह रहे तुमको एक आध घंटा मौका मतलब घूमने फिरने का, तुझको वैसा मौका चाहिए जूते खाएगा आ जाओ कंसेप्ट सॉरी यार लाइव चल रही है, आ जाओ इधर सुनो इधर क्यों क्या साल का अंतर है बेटा, कोई लाइव माइव में देख रहा हूँ बुरा मत मानना, मैं वैसे ही कह देता हूँ मजाक में, आ जाओ, कितने साल हो रही बेटा, इनका अंतर 10 साल हो रहा, और हमको ये लगेगा कि अब हम 4 से भाग दें, क्योंकि कुछ लोग बेटा अपने कुछ लोग क्या शॉर्टकट बहुत अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं, और शॉर्टकट में वो पकड़ लिया जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ लोगों को लगेगा 10 साल का अंतर है, 4 से भाग दो तो क्या लीप ईयर आएंगी, लेकिन बेटा दिमाग खराब हो जाएगा, तो शॉर्टकट के साथ में बुद्धि चलाना है कि यहाँ पर तुम 2-4 से भाग दोगे तो भाई हिसाब से तो क्या लीप ईयर आ रही, लेकिन 2 नहीं है, 11 के बाद कौन सी होगी और कौन सी होगी, 16 और 20, क्या लीप ईयर हो रही, 3 हो रही, तो आप लोग ऐसे में गड़बड़ मत कर लेना, अब यहाँ पर समझो 2009 से 2019 क्या साल है, डिफरेंस क्या ईयर का है, 10 बेटा यहाँ पर लग रहा होगा अब आपको क्या सर फिर तो बेहतीन हो रही तो जैतीन हो रही होंगी, लेकिन यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ क्या है बेटा, 2 है सर, कैसे हैं 2 बताइयो, अब तुम 4 से भाग दोगे और शॉर्टकट में फंसोगे, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ यहाँ होंगी मात्र 2 लीप ईयर, सर कौन कौन सी होंगी, हैं 2012 2000
16, 2012 और 2016 हो गई बात, आ जाओ नेक्स्ट। अरे अभी नहीं हो रहा कुछ, आ रहा पे पहले समझो तुम लोग बेटा हुई क्या नहीं हुई, तो क्या आप लोग क्लियर कर सकते हो क्या कुछ, अबे कुछ क्लियर कर सकते हो क्या? नहीं। अगर सर हम लोग शुरू से चले, कहां से चले बेटा? शुरू से, तब जरूर सही है। अगर मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर हम शुरू से चले, कौन सी साल से? एक साल से चले, कि जब जिंदगी में कौन सी साल शुरू हुई होगी? पहली। और उससे चले, पहली साल से चले और कौन सी साल तक, तो जरूर चार से भाग देंगे तो क्या लीप ईयर आएगी? तो जरूर क्या लीप ईयर आएगी सर? ऐसे में तो लीप ईयर फिर जरूर एक आएगी। शुरू से चले एक से और कहां तक? 10 तक। तो जरूर चार से भाग देकर क्या लीप ईयर आएंगी? आ रही समझ में कि नहीं? मतलब आप बेटा जब एक दो तीन, तो बामे तो बीच में कछु आएगा ही नहीं, फिर गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा सर शुरू से चले और 15 साल तक चले, तो चार से चार थी 12, क्या लीप ईयर आएंगी? तो तब जरूर बेटा फिक्स है कि आप लोग 4 से डिवाइड करो और जो आ रहा होगा भाई क्या होगा? आंसर होगा, डायरेक्ट कट रहा होगा वही आंसर होगा। अब ऐसे करते करते सर 50 तक जाओ और देना चार से भाग, 50 में चार से डिवाइड करो, क्या बार में डायरेक्ट कट रहा? 12 नहीं होता बेटा, 12 चौक 48, 12 4 जा 48, तो चार से भाग दोगे तो पूरा पूरा क्या बार कट रहा? 12 बार। तो मतलब अगर बेटा कोई कहता है शुरू के, क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, शुरू के 50 सालों तक क्या लीप ईयर होंगी, तब जरूर डायरेक्ट लगा देंगे, क्या होंगी? 12। शुरुआती 50 सालों में क्या लीप ईयर होंगी? 12। यहाँ आपका यही कंसेप्ट काम करेगा कि 50 दल लो और कैसे भाग दे दो? चार से। क्या बात जा रहा सर? 4 एकम 4 4 2 8 12 4 48, वो शेष बच रहा उसको नहीं लेना है, क्या लीप ईयर हो गई? 12। अब बेटा क्वेश्चन अगला कई बार पेपर में आ चुका है, पहले से लेकर एक से लेकर 100 तक शुरुआती 100 सालों में क्या लीप ईयर होंगी? तो शुरुआती 100 सालों में मेरे प्यारे भाइयों, तुमको लग रहा है सर एक से लेकर जो तो 100 ही तक जा रहे, तो 100 को डिवाइड कर दो, कैसे कट गए सीधे क्या बार, तो क्या लीप ईयर होंगी? 25। लेकिन गलत, क्योंकि बेटा मैंने अभ्याल समझाया कि एक से लेकर 100 तक सही कह रहे तुम 25 होंगी, लेकिन उसमें एक जगह गड़बड़ हो जाएगी, कहां 100 के पीछे क्या जीरो लगी, तो कौन सा ईयर है वो? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में चार से नहीं, कैसे 400, तो वो 400 से जब तुम भाग दे रहे होंगे, ये तो सही बात है सर कि यहां से लीप ईयर तुम 4 8 12 ऐसे गिर रहे होंगे, 96 और क्या 100, सही है सर। और लीप ईयर होंगी एक से 100 तक में क्या है? बोले 25, लेकिन हो गई एक जगह गड़बड़, कहां हो गई? 100 पे। सही है कि 25 होंगी लेकिन एक नहीं होगी जो हमको नहीं गिनना है, कौन सी? 100 वाली। कौन सी नहीं गिनना है? 100 वाली नहीं गिनना है मेरे भाइयों। क्यों नहीं गिनना है पता चल रहा? क्योंकि वो है ही नहीं लीप ईयर, शताब्दी वर्ष है, 2 जीरो होती है, वो कौन सी वर्ष होती है? और उसमें 4 से नहीं, कैसे क्या जा रहा भाग, तो 100 कौन सी ईयर नहीं है? लीप ईयर नहीं है ये बेटा, हूँ लीप ईयर नहीं है, तो फिर 25 नहीं एक घटाना पड़ेगा, क्या होंगी? 24। बात को थोड़ा गौर से सुनना, आ गई क्या समझ में? क्या है तो बेटा, आप लोगों में से कोई नया आया होगा तो आप लोग सोमवार से अपनी चीजों को कंटिन्यू समझना, अभी तुम ये समझना बस हम आए हैं, बस देख रहे पर का पढ़ा रहा मास्टर बहुत है, सोमवार से कंटिन्यू करना, क्योंकि सोमवार से बेटा मैथ में भी टॉपिक 8 से 9 वाले बैच में नया चालू हो रहा है, 9 से 10 वाले में भी बेटा हूँ 2-3 दिन पहले ही नया हुआ है। अभी आप आए हैं बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है, भंडारे में भी स्वागत है, हैं? वो पढ़ो आराम से, ठीक है? पता चल गया ना? कल अब देखो बेटा, मैं क्वेश्चन से कराऊंगा आपको आगे, कि 1 से 200 में कितनी लीप ईयर होंगी, 1 से 500 में कितनी लीप ईयर होंगी। क्वेश्चन आएगा बेटा हूँ पहले 700 सालों में क्या लीप ईयर होंगी, पहले 700 सालों में क्या लीप ईयर होंगी, तो अब हमको डरना
हमको पता है सर, क्या पता है जो मैंने पढ़ाया वो, और नहीं पता तो पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे। पहले इतना समझाओ बेटा, इतना आया क्या, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। अब 1 से 100 तक मैं क्या लीप ईयर होंगी, 24 होंगी, क्या होंगी, 24 होंगी, बता दो बेटा किसी को दिक्कत, 24 होंगी क्या नहीं होंगी, बढ़ जाए आगे हैं। अब आओ 1 से लेकर 200 तक क्या लीप ईयर होंगी, बताओ अब, एक से स्टार्ट कर रहे 200 तक कर रहे बेटा, 1 से स्टार्ट कर रहे 200 तक कर रहे लीप ईयर, बताओ। अच्छा सर 1 से 200 तक कर रहे हो, तो 200 में हमने कैसे भाग दिया, कितना आया 50, क्या आया, तो लीप ईयर क्या होना थी, क्या होना थी, लेकिन दो जगह घाटा हो गया कि 1 से 200 में गए तो 100 आया और क्या आया, और बेटा ये हैं शताब्दी वर्ष, ये कौन से हैं, ये सेंचुरी ईयर है, कौन से ईयर है, सेंचुरी, और उनमें 4 से नहीं कैसे 400, तो यहाँ पर इसको 400 से चेक करेंगे, इसको 400 से चेक करेंगे हैं, इसको 400, इसको 400 से जा रहा भाग नहीं जा रहा, तो क्या कम हो जाएंगे, दो कम हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ आपके 50 होने थी वो 50 नहीं, दो कम हो जाएंगे, क्या होंगे 48 होंगे, क्या होंगे 48 लीप ईयर होंगे हैं, क्या कह रहे, ए कमेंट 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 अब तुम कर दो यार कमेंट, अभी क्या मैं पहले पढ़ा लूं क्या, अभी बेटा ये सब काम चालू होगा फिर तुम पढ़ नहीं पाओगे, फिर तुम में से कई लोग जो नए होंगे उनको गुस्सा आएगी हम तो बहुत उम्मीद से आए थे, फलाना आए थे, दिखाना आए थे, और ऐसा और वैसा, और भंडारे तो हम खाते रहते हैं इधर उधर मांग मांग के तुम आ जाओ आ जाओ आप। हाँ भाई साहब शुरू से बता रहा हूँ, लास्ट तक पूरी कहानी सुन ले, एक डाउट रह जाए तो 100% गारंटी, पेपर में अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो 100% गारंटी, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे तुम जो सोचा कि मैं बहुत लंबी लंबी फेंक दूं जैसा, तो वो नहीं फेंक पाऊंगा कि मैं ऐसा और मैं वैसा और मैंने जे कर दिया और मैं फलाना और मैं आग लगा दूंगा, मैं जहर फेंक दूंगा ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, मुझको पता है बेटा यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाते तो तभी चल पाते जब लोग आग लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ लिया तो सारी बातें आती हैं, जितने लोग एग्जाम में निकले हैं उनसे पूछो। अब क्वेश्चनों का तो ये है कि कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है, कंसेप्ट तो सबरे अपने ही होते हैं बेटा, उसमें क्या है, बढ़ जाएं आगे आओ। अब मैं तुम लोगों से कह दे रहा हूँ 1 से लेकर कहाँ तक 300 तक कितनी लीप ईयर होंगी, अरे अरे शांत हो जाओ, क्वेश्चन ऐसे फालतू बोल दिया हमने, नहीं फेंक पाएंगे हम ना, तो नॉर्मल अभी तो खैर यूट्यूब पे भी चल रही तो भी बड़ी बड़ी, बस जितना कह सकते हैं कंटेंट पूरा है, कंटेंट में दम है, जितने लोग एग्जाम में निकलते हैं सबरे कहते हैं कि हाँ यहीं से आया है ठीक। अब बेटा कई लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको अब तक मैथ के बिना खुद ने सारे टॉपिक नहीं लगाए होंगे कई टीचरों ने, और जो कह देते हैं मैथ पढ़ना हो तो हमारे पास आओ, कैसे क्या काम चले हो तो रीजनिंग में। हाँ बेटा 300 में 4 से भाग दे रहे, आलू कटवाने चला गया क्या ये आलू कटवाने में लाया हूँ यार पहले से ही बेटा आप लोगों में से अगर किसी को लग रहा होगा सर हम आलू कटवाने चले जाए कि आटा लगाने, तो सब आए हैं, तुम सिर्फ आज पढ़ोगे और पढ़ने के बाद बेटा बस खाना पीना खाओगे घूमोगे फिरो, कुछ नहीं होगा आज। आ जाओ 4 से भाग दो, यहाँ आ कितना रहा बेटा, अरे यार टोटल कटना चाहिए, टोटल बस कटना चाहिए अपन ने क्या बेटा 75 आएगा, तो अब बहुत लोगों को ये लगेगा 75 आंसर है तो गलत है, क्योंकि इसमें बेटा 100 भी है 200 भी है और क्या है 300 भी है, तो 75 में से क्या माइनस कर देंगे क्या आएगा, कितनी लीप ईयर होंगी 72 72
बड़े आ गए, आओ आ जाओ चले। चलो बेटा देखो, बढ़ते हैं आगे, एक से लेकर 400 तक। बेटा एक से लेकर 400 तक लीप ईयर बतानी है, तो सर हमने 400 में 4 से भाग दिया तो क्या आ रहा, 100 आ रहा, तो क्या लीप ईयर होनी थी 100। लेकिन देखो बेटा, ए शांत हो जा बेटा, क्या होना थी 100, लेकिन कहाँ कहाँ कट गई देखो, कौन कौन सी हट गई। बोले सर ऐसा है कि 100 तो शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 से भाग देंगे नहीं जा रहा, तो जो तो कट गई जो तो लीप ईयर नहीं है। सर 200 भी नहीं है, इसमें भी नहीं जाता 400 से भाग। सर 300 भी नहीं है, इसमें भी नहीं जाता 400 से भाग। लेकिन एक से लेकर 400 तक में 400 में तो 400 से क्या जाता है बेटा, 400 तो डिवाइड होती है, और अगर तुम गलती से जै 2 और जै 3 और जै 4 घटा दे तो आंसर गलत। यहाँ 4 नहीं घटे क्या, क्योंकि जिस 100, 200, 300 नहीं है लीप ईयर, 400 तो क्या है, तो घटना थी 4, लेकिन क्या घटेंगे 3 नहीं घटेंगे। नहीं आ रही क्या समझ में, तो क्या घटेंगे 3, क्या होंगी 97 लीप ईयर होंगी। क्या होंगी बेटा 97 लीप ईयर होंगी। क्यों भैया आ रहा है समझ में कि नहीं, कैसा मुंह बना के बैठे हैं आ रहा है कि नहीं, ऐसा कहने में क्या है बेटा। जो लोग लाइव भी पढ़ते हैं ऑनलाइन भी पढ़ते हैं ना, उनका भी यही है कि आप लोगों को बेटा खुद में बोलना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो वीडियो को जो लोग देखते हैं बाद में फिर से क्या कर लिया करो, रिपीट कर लिया करो, क्या फिर से लौटा। अच्छा अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहूं, लड़के लड़कियों वो आपको बताना है मुझको, कि अगर मैं तुमसे कहूं सीधे सीधे सर क्या कहोगे कि 0 से लेकर 100 साल तक क्या लीप ईयर होते हैं, बताइयो क्या होते हैं। 24, 201 से लेकर 200 तक क्या लीप ईयर होते हैं। अबे 48 कैसे हैं 201 से, 24 सही, 24 नहीं होंगे बेटा, जो 0 से 100 है 24, सॉरी 100, तो जैसे 100 साल में 24 क्या होंगे 24, बस थोड़ी देर और। अच्छा अब 200 कहां तक क्या लीप ईयर होंगे 24। अब क्वेश्चन जी आ गया बताओ 301 400 तक, तो बेटा यहां पर 24 और वो 400 खुद एक है, तो जै तो क्या होंगे 25 होंगे। जो बेसिक है बेसिक, जिसका बेसिक मजबूत बेटा उसका चैप्टर मजबूत, जिसका बेसिक खत्म वो आदमी खत्म। अरे हम एक एक क्वेश्चन के लिए ही तो लड़ रहे बेटा, हर चैप्टर से क्या क्वेश्चन आता है एक, और उसी के लिए हम लड़ रहे हैं, और उसी को गलत करें हैं तो दिक्कत है। जितने चैप्टर उतने क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी किसी एक से नहीं आता तो दूसरे चैप्टर से आ जाता है, दूसरे से नहीं आता तो पहले से आ जाता है। तो दमदारी पहले कंसेप्ट में होगी तभी तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी बेटा। देखो ऐसे आवाज करोगे तो कोई मतलब नहीं है, अगर आप ऐसे आवाज करोगे तो कंसेप्ट कट जाएंगे। चले आ जाओ, छोटा सा क्वेश्चन है भैया, ना शांत हो जाना बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 400 वर्षों में, क्या वर्षों में, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी।
400 वर्षों में 29 तारीख, फरवरी नहीं कह रहा, टोटल 29 तारीख है, क्या आएंगी 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएंगी, फरवरी नहीं कह रहा हूं, कुल 400 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार आएंगी, फरवरी नहीं, टोटल पूछ रहा हूं, टोटल देख लो, ए साले दोस्तों एक दूसरे बताओ, टाइम काट रहे का? बताओ जी, ऐसे लोग हैं जो कर हम टाइम काट भी आए सर घर से, और तुम में लठियां पर है ना, तो सबरो टाइम कट जाओ तुम में, आ रहे हो बेटा 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, टोटल कितनी बार, क्या? अरे फरवरी नहीं कह रहा हूं, टोटल 29 तारीख। अच्छा पहले तुम लोग, पहले बेटा मुझे जो बताओ, एक वर्ष में एक साल में 29 तारीख क्या बार आती हैं? एक वर्ष में 29 तारीख क्या बार आती हैं? 11 बार। एक साल में 29 तारीख क्या बार आती हैं? अरे जनवरी के महीने में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आती हैं कि नहीं? एक कौन से में नहीं आती? फरवरी। वे फरवरी में 4 साल बाद आती है, कैसे साल बाद? हर बार लीप ईयर होती है तब आती है बस फरवरी में 29 की। तो पहले अब लीप ईयर की मत सोचो, अब कैसी सोचो सामान्य, बाद में लीप ईयर की फरवरी जोड़ देंगे। आओ बेटा, एक वर्ष में 29 तारीख आ गई 11 बार, क्योंकि फरवरी के महीने 28 का होता है ना, तो सारे के सारे क्या के होते हैं, 29 के होते हैं, तो 12 महीना में से क्या बार आएगी, 11 बार। हाँ बेटा सही है, 4497 राइट आंसर है। अब बाकी लोग सुनो भैया, लड़कियों से क्यों बेटा, लड़कियां बोलती हैं तो सही है, लड़के लोग तो नहीं भी बोलते तो बहुतों को आता है बेटा, क्योंकि देखो एग्जाम का जो मतलब जो लड़कियां आंसर बोलती हैं तो ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि एग्जाम निकलने का जो रेशियो देखो, वो लड़कों के बहुत ज्यादा निकलते हैं एग्जाम लड़के लोगों के, लड़कियां बहुत कम, और क्या पढ़ाई बहुत कम लड़कियां पढ़ रही ना बेटा। आ जाओ, एक वर्ष में बेटा पूरे 11 बार 29 तारीख आएगी, सर 28 फरवरी की 29 होगी तो लीप ईयर में, बेटा उसको लास्ट में जोड़ लेंगे कि क्या लीप ईयर है, क्या फरवरी और जोड़ देंगे तो 29 तारीख जोड़ देंगे, नहीं आ रही क्या समझ में? बाद में लास्ट में जितनी लीप ईयर है क्या सालों में 400 साल, उनको बाद में जोड़ लेंगे अपन, पहले सामान्य सोचो कि एक साल में क्या 29 तारीख क्या बार आएगी, 11 बार। आ जाओ 400 वर्षों में क्या बार आएगी, 400 वर्षों में क्या बार आएगी सर? बोले 11 बार तो एक साल में आ रही, तो 400 सालों में आ गई 4400 बार, क्या बार? 4400 बार नहीं आएगी, एक साल में 29 तारीख 11 बार, तो 400 का गुणा कर दो 4400 बार हो गई। अब लेकिन बेटा बीच में लीप ईयर आई होंगी, फिर मैं फरवरी में भी क्या आई होगी 29 तारीख, तो एक से लेकर 400 सालों तक क्या लीप ईयर होंगी, अब यार बताइए क्या होंगी 90। जी बेटा, एक से लेकर 400 तक में जो मैंने तुमको अभ्याल बताई है वो लीप ईयर है, और लीप ईयर में तो फरवरी क्या की होती है, क्या की 29 की। आओ जोड़ना है, क्योंकि जे भी फरवरी जुड़ेंगी 7944, एक से लेकर 400 सालों तक अगर फरवरी नहीं 29 तारीखें काउंट करो तो बे आंगी 4497। क्यों बेटा जी, क्या सुंदरकांड होने लगा क्या, अभी वो वैसे हो रहा है, मतलब जो होने लगा कि वो शुरुआत कर रहे? अच्छा एक मिनट रुक जाओ बस अभियाल क्या हो गया,
क्यों? तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूं, नहीं मैं तो पढ़ाता रहूंगा तुमको। क्या देखो अब बेटा शांत हो जाना, अपना काम है ये, मतलब अपन ही सुंदर कांड करवा रहे बेटा, अपना ही भंडारा है सब है, मतलब तो तुमको उधम नहीं करना है। मतलब जिन अइया बेटा दुनिया मजा लेने बैठी है, सारी कोचिंगों वाले मजे लेने ही बैठे हैं कि कब है जिनके यहाँ कुछ हो, और जी तो बेटा खुशी का माहौल है, मतलब कि तुम लोगों को भंडारा भंडारा खाना है सबको बातचीत बातचीत, मतलब वैसे बात कभी जिंदगी में जो तो सोचना ही नहीं तुमको, पेपर निकालना है जो ही करना है भाई और किसी को जाना नहीं है बेटा, जैसा किसी को पढ़ना ही है ना तो तुम बैठ के पढ़ते रहो, भले किसी को बेटा हो पहले ही सुन लो बेटा, ए इधर लड़के लड़कियां जो कोचिंग है किसी को यहां बैठ रहा यहां बैठना, नीचे जाना हो नीचे जाना, ठीक है, उदम फूदम नहीं करना, ठीक है बेटा। एक और कंडीशन, कोई लड़का या लड़की खड़े नहीं दिख जाए कहीं, पहली कंडीशन तो सबसे बड़ी यही है, ना तो कोचिंग में नहीं आ पाओगे कभी। अरे तुम लोग अपनी बाहर की दुनिया में कुछ करो, हमें किसी से कोई मतलब, तो कोचिंग में आए हो तो शांति से रहना है। अब जो तो बेटा यहाँ रोकना पड़ेगा, कह के मुझको पता है नीचे से आवाज आ रही होगी तो पीछे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सभी लोग सुंदरकांड का आनंद लो, फिर उसके बाद अपने भंडारे का आनंद लेना जा भैया कोई जा रहा हो घर से तो आ जाना, किसी का कमरा पास पास में हो और जा रहा हो तो आ जाना, दिक्कत कहाँ है अनुराग कहाँ यार, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या कह रहे बेटा, किसी भी लड़का लड़की को घर नहीं जाना, खाना खा के जाएंगे। चलो वो नहीं, ए कल की तो सुन लो, अबे जा कहाँ रहे, कल क्या बजे से चलेगी जी क्लास बेटा? 9 से 11 तक चलेगी, कल चलेगी क्लास, और क्या बोलते हैं, और बेटा वो पीएससी वाली चलेगी 7:30 से ही कल 9 तक, ये 2 क्लास है, इंग्लिश भी चलेगी शाम को, इसको बंद कर दूं मैं थोड़ा सा, ये लाइव चल रही है तो